बुक्स रिपीट रे आज आम पढ़ा षष्ठ अध्याय वस्तु और पदार्थर परिवर्तन। वस्तु और पदार्थर परिवर्तन परिवर्तन रे तापर प्रभाव द्रवणीय द्रवणीयता उपरे तापर प्रभाव आदि यही विषय रे आज आम पढ़ा। विभिन्न वस्तु और पदार्थर सर्वदा परिवर्तन घटुछि। परिवर्तन विभिन्न प्रकार यथा प्राकृतिक मनुष्यकृत स्थायी अप्रत्यावर्ती अस्थायी प्रत्यावर्ती भौतिक और रासायनिक। प्राकृतिक जहाँ प्रकृति द्वारा सृष्टि होता है प्राकृतिक उपाय रे परिवर्तन होता है। मनुष्यकृत जो वस्तु को मनुष्य निजे परिवर्तन करी थाए एवं स्थायी अप्रत्यावर्ती अप्रत्यावर्ती माने जहाँ फेरी आसी पारे नहीं बा जहाँ सरीगले आउ फेरी पारे नहीं। अस्थायी प्रत्यावर्ती जहाँ अस्थायी अटे स्थायी नुहे एवं प्रत्यावर्ती जहाँ फेरी आसी पारे। भौतिक और रासायनिक भौतिक परिवर्तन लक्षण यह अस्थायी और प्रत्यावर्ती यह अस्थायी अटे पुणी प्रत्यावर्ती एही पदार्थरे कौनसी शेषरे कौनसी नूतन पदार्थ सृष्टि हुए नहीं। रासायनिक परिवर्तन लक्षण होची यह स्थायी और अप्रत्यावर्ती एही परिवर्तन शेषरे नूतन पदार्थ सृष्टि होइथाय। एबे आमे विषय पढ़ा विषय आमे पढ़ा आम चारि पाखरे थिबा वस्तु और पदार्थ गुड़िक सर्वदा परिवर्तन घटी चलिछि। निरीक्षण कले एही परिवर्तन गुड़िकु तुमे देखि पारिब ओ सेगुड़िक सहित थिबा आम संपर्क मध्य जानि पारिब। एगुड़िक मध्यरु केते गुड़िए परिवर्तन अति साधारण जहाँ तुम अति निकटरे घटी थाए सेगुड़िक जानिबारे विशेष किछि असुविधा नहीं। आउ किछि परिवर्तन को जानिबा ओ बुझिबा पई तुमको सामान्य चेष्टा करबाकु आवश्यक होई पारे। परिवर्तन दुई प्रकार रे एठारे होची गोटे प्राकृतिक परिवर्तन मनुष्यकृत परिवर्तन। प्राकृतिक उपाय रे घटुथिबा परिवर्तन को प्राकृतिक परिवर्तन बोली कहिथाउ सेपरि मनुष्य जेऊ वस्तु गुडी को परिवर्तन करे ताहाकु मनुष्यकृत परिवर्तन बोली आमे कहिथाउ। वस्तु और पदार्थर परिवर्तन तुमे देखिथिबा वस्तु और पदार्थ गुडी करे घटुथिबा परिवर्तन रे एक तालिका कर। तालिका करिबा बेले एही परिवर्तन गुडी को केउठारे ओ किपरि घटिथाय यथा प्राकृतिक उपाय रे घटे बा मनुष्यकृत परिवर्तन ताहा तुम खातारे लेख। एठारे आमे सारणी 6.1 प्राकृतिक और मनुष्यकृत परिवर्तन ए सारणीटी आमे देखिबा। वस्तु बा पदार्थ हेउचि कोन ना ओदालुगा काठ जल सुना लुहा कपा तार प्राकृतिक परिवर्तन होइथाय। ओदालुगा तार प्राकृतिक परिवर्तन कोन ना ओदालुगा सुखी जिबा सेटा केमती होते ना प्राकृतिक परिवर्तन द्वारा होइथाय। सेहिपरि काठ काठ जळिबा हेउचि कोन ना मनुष्यकृत परिवर्तन द्वारा होइथाय। काठ को मनुष्य जळिबा द्वारा से कोन काठ जळिथाय तेणु एहा हेउचि कोन मनुष्यकृत परिवर्तन। सेहिपरि जल समुद्र जल बाष्प हेबा ताहा हेउचि कोन ना प्राकृतिक परिवर्तन किंतु जल को गरम करी बांफ करिबा एहा हेउचि मनुष्यकृत परिवर्तन। सेहिपरि सुना सुना टु सुना गहना अलंकार सब तयारी करिबा हेउचि कोन मनुष्यकृत परिवर्तन। सेपरि लुहारे कलंकी लगिबा होउछि प्राकृतिक परिवर्तन किंतु लुहारु विभिन्न जिनस जथा कंटा लुहा कंटा कोड़ी कोदाळ दा कटुरी इत्यादि सब तयारी करिबा होउछि कोन मनुष्यकृत परिवर्तन। सेपरि कप्पा कप्पारु सूता तयारी करिबा होउछि कोन मनुष्यकृत परिवर्तन। उपरोक्त परिवर्तन गुड़ी को अनुध्यान करिबा परे आउ केतोटी परिवर्तन को जोड़ा जाए पारे आमे एही परिवर्तन छड़ा आउ किछि भी परिवर्तन अछि जथा विभिन्न पदार्थ को नै आवश्यकीय वस्तु तयारी करिबा जेपर कि गोटी पदार्थ होछि काठ काठ को नै आमर आवश्यकीय वस्तु कोन कोन रहछि ना खट आलणा आलमारी इते सब आमर कोन आवश्यक वस्तु रहछि। जेपर कपारु सूता कपारु आमर कोन कपारु आमको सूता मिलिथाय एवं सेही सूतारु आमे विभिन्न प्रकार वस्त्र तयारी करिथाउ। लुहारु कोड़ी कोदाळ कड़ई लुहा कंठा आदि आमे करिथाउ। सेपरि सुना रूपारु विभिन्न प्रकार गहना और आलुमिनियम रो बासन इत्यादि आमे तयारी करिथाउ।
ଏହିଭଳି ଅଧିକ ପରିବର୍ତ୍ତନର କଥା ବିଚାର କରିବା ବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏକା ପ୍ରକାର ନୁହେଁ। ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସାରଣୀରେ ଲେଖାଥିବା ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ଅନୁସାରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ବିଚାର କରାଯାଇ ପାରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଉପାୟରେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇ ପାରିବ। ଏଥିପାଇଁ ଅବଶ୍ୟ ଆମକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୁଡ଼ିକର କାରଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ହେବ। ଆମେ ସେଇ ବସ୍ତୁ କିପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ଏବଂ କେଉଁ ଉପାୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ତାକୁ କ'ଣ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯେଉଁ ହେବାର କାରଣ ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ସରଳ ଓ ସହଜ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଏହି ବିଭକ୍ତିକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ବସ୍ତୁ ଓ ପଦାର୍ଥର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଗୋଟିଏ ମହମବତୀକୁ ଜଳାଇ ଚିନା ମାଟିର ପ୍ଲେଟ୍ ଉପରେ ରଖ। ଗୋଟିଏ ମହମବତୀ ଆଣିବା, ସେଇ ମହମବତୀକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଗୋଟେ ଜଳାଇକି ଗୋଟେ ଚିନା ମାଟିର ପ୍ଲେଟ୍ ଆଣିବା, ସେହି ତାହା ଉପରେ ତାକୁ ରଖିବା। ଜଳୁଥିବା ମହମବତୀକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଏଇ ଯେଉଁ ଜଳୁଥିବା ମହମବତୀକୁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖୁଛେ ନା ମହମଟି ଏଠାରେ ଜଳୁଛି, ତାପ ପାଇକି ଏହା ଜଳୁଛି ଏବଂ ଏହା ଜଳିବା ମାତ୍ରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାର କ'ଣ ମହମ କ୍ଷୟ ହୋଇ ତଳକୁ ଗଦା ହୋଇ ଆସୁଛି। ମହମବତୀଟି ଜଳି ଜଳି ସରିଯିବା ପରେ ଲିଭିଗଲା। ଶେଷରେ ପ୍ଲେଟ୍ ଉପରେ କ'ଣ ରହିଲା ତାହା ଦେଖିଲ ତ? ମହମବତୀଟି ଜଳିବା ପରେ ତାହା ଜଳି 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 ଜଳିକିରି ଶେଷରେ ଲିଭିଗଲା ଏବଂ ତାହା ତଳେ କ'ଣ ରହିଲା ନା କିଛି ଯେଉଁ କ୍ଷୟ ହୋଇଥିବା ମହମ ଗଦା ହୋଇକି ରହିଲା। ଉପରୋକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ଓ ସେଥିରୁ କ'ଣ ଶିଖିଲେ ସେସବୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମହମବତୀଟି ମହମରେ ତିଆରି। ଏଇ ଯେଉଁ ମହମବତୀ ତାହା କେଉଁଥିରେ ତିଆରି ନା ମହମରେ ତିଆରି। ମହମ ଏକ ଦହନୀୟ ପଦାର୍ଥ ହୋଇଥିବାରୁ ସେଥିରେ ଥିବା ସଳିତାରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଲେ ତାହା ଜଳେ। ମହମ ହେଉଛି ଏକ ଦହନୀୟ ପଦାର୍ଥ ଏବଂ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ସଳିତା ଥାଏ ସେ ସଳିତାରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଲେ ମହମଟି ଜଳିଥାଏ। ମହମ ଜଳିବା ବେଳେ କିଛି ମହମ ତରଳିଯାଏ, ସେଥିରୁ କିଛି ତଳକୁ ବୋହି ଆସେ, ଅବଶିଷ୍ଟ ତରଳ ମହମ ଜଳିଯାଏ। ମହମବତୀ ଜଳିବା ବେଳେ ଆଲୋକ ଓ ଉତ୍ତାପ ଦିଏ। ମହମବତୀ ତରଳି ତଳକୁ ବୋହି ଆସି ଥଣ୍ଡା ହୋଇ ପ୍ଲେଟ୍ ଉପରେ ପୁଣି କଠିନ ମହମରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ମହମବତୀଟି ଜଳିଥାଏ ଏବଂ ଜଳିବା ବେଳେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାର କ'ଣ କ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେ ତଳକୁ ବୋହି ଆସିଥାଏ, ସେ ମହମ ତଳକୁ ସେ କିଛିଟା ମହମ ବୋହି ଆସିଥାଏ। ସେଇ ବୋହି ଆସିଥିବା ମହମ ପୁଣି କିଛି ସମୟ ଥଣ୍ଡା ହୋଇକି ରଖିଗଲା ପରେ ସେ କଠିନ ମହମରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଥାଏ। କୁହତ ମହମବତୀରେ ଯେତେ ମହମ ଥିଲା ସେ ସବୁ ଏବେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଅଛି କି? ଗୋଟେ ମହମବତୀରେ ଯେତେ ସବୁ ମହମ ଥିଲା ସେସବୁ ସେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ନାହିଁ, ବାସ୍ ଅଳ୍ପ କିଛି ଅଛି, ବାକି ସବୁ ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ମହମବତୀ ଜଳିସାରିବା ବେଳକୁ ଏହାର ଅଧିକ ଭାଗ ସରିଯାଇଥାଏ, ତାହା ଆଉ ଫେରିପାଇବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଥିବା କଠିନ ମହମକୁ ନେଇ ପୁଣି ଜଳିପାରୁଥିବା ମହମବତୀ ତିଆରି କରାଯାଇପାରିବ। ଉପରୋକ୍ତ ତଥ୍ୟକୁ ଅନୁଶୀଳନ କଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ମହମବତୀରେ ଜ୍ୱଳନ ବେଳେ ମହମ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଥମତଃ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଦହନ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜଳିଥାଏ ଏବଂ ତଜ୍ଜନିତ କ୍ଷୟ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷୟ ହୋଇ ତଳକୁ ବୋହିଥାଏ। ଏହା ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଏହା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସ୍ଥାୟୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ଅପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଅପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ କ'ଣ ନା ସେ ଆଉ ଯାହା ଆଉ ଫେରି ଆସିପାରେ ନାହିଁ, ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଅପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଯେହେତୁ ଅଳ୍ପ ମହମର ଭୌତିକ ଅବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟି କଠିନରୁ ତରଳ ମହମ ଓ ପୁଣି ତରଳ ମହମ ଥଣ୍ଡା ହୋଇ କଠିନ ମହମରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଉଛି। ପ୍ରଥମତଃ କ'ଣ ହେଲା ନା ମହମର ଭୌତିକ ଅବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଲା, କଠିନରୁ ତରଳ ମହମ ହେଲା, ମହମବତୀରେ ଜଳିବା ମାତ୍ରେ କ'ଣ ହେଲା ତାହା କଠିନରୁ ତରଳ ହେଲା ଏବଂ ପୁଣି ତରଳ ମହମ ଥଣ୍ଡା ହୋଇ କଠିନ ଅବସ୍ଥାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଉଛି। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭିନ୍ନ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଏହା ଅସ୍ଥାୟୀ ଓ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଟେ। କାରଣ ଏଠାରେ କଠିନ ମହମ ତରଳ ମହମରେ ଓ ସେହି ତରଳ ମହମ ଥଣ୍ଡା ହୋଇ ପୂର୍ବପରି ପୁଣି କଠିନ ମହମରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଜାଣିଥିବା କେତୋଟି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ମନେ ପକାଅ ଓ ତୁମ ଖାତାରେ ସାରଣୀଟିଏ ତିଆରି କରି ତାକୁ ଲେଖ। ଆମେ ଗୋଟେ ସାରଣୀଟିଏ ତିଆରି କରିବା। ସାରଣୀ 6.2 ବସ୍ତୁ ଓ ପଦାର୍ଥର ପରିବର୍ତ୍ତନ,
स्थायी अस्थायी बा अप्रत्यावर्ती प्रत्यावर्ती परिवर्तन, स्थायी बा अप्रत्यावर्ती परिवर्तन, स्थायी बा प्रत्यावर्ती परिवर्तन, स्थायी एवं जहाँ अप्रत्यावर्ती जहाँ फेरी आसे नाही एवं अस्थायी जहाँ स्थायी नुहे एवं जहाँ फेरी आसी पारे। काठ को जलाई अंगार तैयारी करिबा, आमे जदि काठ को जलाइबा ता काठ जळी गेला पर कोन होबा ना अंगार होई जीवो, से अंगार पुनश्च कोन काठ को फेरी आसी परिबो, फेरी आसी परिबो नाही। ए हाउची अस्थायी बा अप्रत्यावर्ती परिवर्तन। फल पाचिबा, गोटे फलटा को नेके आमे पाचिबा, पाची सारिबा परे से फलटी कोन पुणी कंचा फल को आसीबो कि आसी परिबो नाही। लुहारे कळंकी लागिबा, चीनी को गरम करिबा, शिशुटी वृद्ध हेबा, ये सब हूँ कौन ना स्थायी और अप्रत्यावर्ती परिवर्तन। से परी अस्थायी अस्थायी बा प्रत्यावर्ती परिवर्तन कौन ना बरफ को तरल जल पाइबा, आम जब बरफ को तरल जल पाई पुणी जल को थंडा कले कौन हम ना बरफ पाई। विद्युत बल जल्वा, लुहा चुंबक परिणत होगा, खंडे रबर को टाणी, महम तरल इत्यादि हूँ कौन अस्थायी बा प्रत्यावर्ती परिवर्तन। परिवर्तन रे तापर प्रभाव, गोटे फ्यूज बल्ब नियो एहा लाख को भांगी बाहर कर दिए, गोटे फ्यूज जो इलेक्ट्रिक बल्ब जो अच्छी गोटे फ्यूज बल्ब नबा यार जो साइड जो लाख था जो ऊपर भाग जो लाख था गोटे कला है गोटे पदार्थ थी से पदार्थ को आम कौन कर भांगी काढ़ी देवा। बल्ब रो खोला मुहरे गोटे बेलून को सूता द्वारा बांधि दियो, ए गोटे बेलून आनिबा ए जो मुहरे ताको कोन करबे ना सूता द्वारा बांधि देबा। बल्ब टी रो तळपटु जळंता मोमबत्ती देखाई गरम करो, ए बल्ब टी रो तळपटु कोन करबे ना जळंता मोमबत्ती देखाई के हाकु कोन करबे ना गरम करबा। एतिके बेले बेलून टी को लक्ष्य करो, बेलून टी कोन हबा ना किछि समय मध्यरे संकुचित बेलून टी बा संकुचित होइथिबा बेलून टी फुली उठिबो। बल टी आउ अधिक गरम न करी थंडा करो, देखिबो ए बेलून टी फुलिबा परे आमे कोन करिबा ना बल टी को आउ गरम करिबा नै एहा मोमबत्ती लिभाई के आकु थंडा करिबा। तापर कोन देखिबा ना बेलून टी संकुचित होई एहार पूर्वावस्था को फेरि आसिबे, जतेबेले आमे ए बल टी गरम करिबा बल्ब टी को गरम न करिबा सेतेबेले कोन माने बेलून टी पुणी संकुचित होई कि ता पूर्वावस्था को फेरि आसिबो। उपरोक्त कार्यरु आमे कौन सिखिले ना आमे सिखिले बल्ब टी को गरम करिबा द्वारा एहा मध्यरे थिबा वायु प्रसारित होई बेलून मध्यरे प्रवेश कला। आमे जदि बल्ब टी को ताप देके आकु गरम करछे ए ताप मध्यरे थिबा वायु प्रसारित होई कहला ए बेलून टी को बेलून मध्य को प्रवेश कला जहा द्वारा कहला ना बेलून टी फुलिला। शेषरे बल्ब टी को थंडा करिबा द्वारा वायु संकुचित होई गला, तेणु बेलून भितर को वायु बल्ब भितर को बेलून को संकुचित हो गला, तेणु कह गला बेलून भितर वायु बल्ब पाख आसीगला एवं यह संकुचित हो गला। वर्तमान तुम्हें कह वायु उपर तापर प्रभाव कौन, उपरोक्त कार्यरु आम जाणिले जे ताप प्रयोग रे वायु प्रसारित हुए एवं थंडा कले वायु संकुचित हो जाए। आम जो से कार्य कले जो बल्ब टी को जलाइले ताप प्रयोग द्वारा कौन है बेलून टी फुली उठला एवं ताप कमे थंडा हो जबार कौन है ना बेलून टी संकुचित हो गला। एक कार्य आम जानले जे ताप प्रयोग रे वायु प्रसारित हुए एवं थंडा कले वायु संकुचित हो जाए। पूर्व कार्य रे आम देखी थिले तापर प्रभाव रे महम तरली जाए कठिन अवस्था रु तरल अवस्था को आसी थाए, तरल महम अधिक थंडा हेले पुणी कठिन अवस्था को फेरी जाए। जल को गरम कले बांफ हुए एवं बांफ को थंडा कले पुणी जल हुए, जल को अधिक थंडा कले ताहा बरफ होइथाय। एही सब उदाहरण रु आमे जानिले जे ताप प्रयोग कले वस्तु बा पदार्थर भौतिक अवस्था रे परिवर्तन आसे, यथा कठिन पदार्थ को ताप प्रयोग कले ताहा तरल पदार्थ होइथाय एवं तरल पदार्थ को थंडा कले ताहा कठिन पदार्थ होइथाय। जेपर कठिन पदार्थ होइछ एक बरफ, बरफ को ताप प्रयोग कले ता कोन हुए ना पानी जल होइथाय बा तरल पदार्थ होइथाय एवं तरल पदार्थ को थंडा कले ताहा कोन होइथाय ना कठिन होइथाय।
तरल पदार्थ को ताप प्रयोग कले कौन होता है ना गैसीय पदार्थ होता है जेपरी कि जल जल को आम जब गरम करवा बाष्प होता है एवं गैसीय पदार्थ बाष्प को पुणी थंडा कले तरल पदार्थ जल में परिणत होता है। अदरकारी कागज खंडिए बा चीराकना लुगा खंडिए गोटे परीक्षा नली रे रखे अधिक उत्तप्त कले कौन हे ना सेगुड़ी को सब जली जीव एथिरु आमे कौन जानले ना अधिक तापर प्रभाव रे दहनीय वस्तु पदार्थ गुड़िक यथा कागज तुला कपड़ा महम किरोसिन पेट्रोल रोसे कामरे व्यवहृत होता गैस सुखिला पत्र काठ और कोईला इत्यादि जली जाती किंतु धातव पदार्थ को उत्तप्त कले कौन हुए यह जानवापी गोटे कार्य कर देखा तुम्हें कम तीन धातु उपरे तापर प्रभाव गोटे मोटा मलाट पट्टा बा खंडिये कार्डबोर्ड नियो गोटे मोटा मलाट थिबा पट्टा बा गोटे कार्डबोर्ड टे नबा पट्टा मझीरू गोटे धातव टंकिकिया मुद्रा व्यास मापरे खंडिये काटी बाहर कर दियो पट्टा मझीरू कौन करिबा गोटे धातव टंकिकिया मुद्रार व्यास मापरे खंडिये काटी बाहर करदेबा ताको अधा करदेबा एहा द्वारा चित्र रे देखा गला भली संकीर्ण पथटीए होई जीव गोटे ब्लेड मझीरु एहा द्वारा कौन करबा ना ए जो आमे से ब्लेड टी को काटी दबा बा ए जो कार्डबोर्ड टी को कौन करबा ना काटी देगी ए जो से टंकिका द्वारा काटी देगी ता काटी दबा द्वारा कौन एही परी होई जीव गोटे ब्लेड मझीर भांगी दिखंड कर गोटे ब्लेड आने कौन कर मझीर भांगिकी दिगड़ करदेगा दुईट ब्लेड खंड को कार्डबोर्ड कटा जा जगार दुई पाखे अठा साइज लगाओ आम कौन कर गोटे धातव टंकिकिया साहय कौन करवा ना व्यास रूपे मैंने पूरा सम्मान करपर जो ब्लेड नहीं ब्लेड को अधा करपर तार एपट भाग एपट भाग अठार लगाई रखिबा सही धातव टंकिकिया मुद्रा नहीं देख जहाँ कटा जाइथिबा बाटो दे ठीक जाई पारुथिबो अधिक ढीला न हेबा आवश्यक धातव मुद्रा टी को चिमुटा साहाज्य रे धरी मोमबत्ती बा स्पिरिट बत्ती रे गरम कर से जो धातव मुद्रा बा टंकिकाटा को कौन करिबा ना आमे स्पिरिट बत्ती रे बा चिमुटा धरी की स्पिरिट बत्ती रे बा महम्रे आमे ताको गरम करिबा सही गरम मुद्रा टी को कार्डबोर्ड रो कट्टा स्थान रे गळाओ देखिबो जे मुद्रा टी ब्लेड दुई खंड मध्यरे थिबा स्थान मध्य दे गळी पारु नाही कारण मुद्रा टी उत्तप्त हेबा परे एहार आकार सामान्य बढ़ी जाइछि जेहेतु मुद्रा टी आमे ताप प्रयोग द्वारा उत्तप्त होइछि तेणु ता कोन ता आकार सामान्य बढ़ी जाइछि गोटे काच बोतल लगी धातव ठिपी जाम हो जाए खोलूना से ही ठिपी को न काटी बोतल को न भांगी किपर खोल ठिपी खोली जाऊ प्रक्रिया ठिपीर के प्रकार परिवर्तन काच बोतल लगी ठिपी को गरम पानी रे किछि समय बुड़ाई रखिले तापर प्रभाव में ठिपीटी प्रसारित हो फल सहजरे ठिपीटी खोली जीवा आम जदि जो काच बोतल ठिपीटी जाम हो काच बोतल को लेकिन कौन करवा ना गरम पानी किसी गरम पानी करदे से गरम पानी से बोतल टी को ठिपीटी को किसी समय बुड़ाई रखा द्वारा कौन हे ना तापर प्रभाव में ठिपीटी कौन हो ना प्रसारित होफल सहजरे ठिपीटी खोली जा पार ठिपी खोली जाउथिबा प्रक्रिया ठिपीर कौन ना भौतिक परिवर्तन अटे यह कि परिवर्तन ना भौतिक परिवर्तन होई थाए।